गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आज 1 नवंबर है, 5th और 6th दिसंबर से तुम लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है. तो उसको लेके मैं आज तुम लोगों के साथ अभी 5 टिप्स डिस्कस कर रहा हूँ, जो प्लीज़ फॉलो करना. प्लान बनाते हो, प्लान का भी एक रफ आइडिया मैं इसमें तुमको दूंगा, ठीक है. 5 इंपॉर्टेंट टिप्स एकदम देने जा रहा हूँ. नंबर वन, अभी हम लोगों के हाथ में रफली आज को इंक्लूड करके 35 डेज है या 34 डेज है. फाइनल के स्टूडेंट है तो 34 है, इंटर के स्टूडेंट है तो 35 डेज है, ठीक है. इसमें हमें कितना टाइम ग्रुप वन को देना है, कितना ग्रुप टू को, सिंपल एकदम बता रहा हूँ, एकदम सिंपल. जो भी ये फर्स्ट पे मेरा, ठीक है, आई बी काउंटिंग, जो भी स्टडी प्लान बना रहे हो, फर्स्ट 20 डेज यानी कि फ्रॉम टूडे टिल 20th नवंबर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप टू के सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं. 21 नवंबर से लेके एंड मोमेंट तक, मतलब जो लास्ट का 15 दिन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वन. उसमें गलती से भी ग्रुप टू में हाथ मत दे देना, वरना ग्रुप वन सत्यानाश करके आ जाओगे एग्जाम में, ठीक है. तो अभी 20 डेज 20 नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ ग्रुप टू पे फोकस करो, और 21 नवंबर से सिर्फ ग्रुप वन और कुछ मत देखना. अब इसी टिप को लेके ये सवाल उठेगा कि सर मेरा तो मान लीजिए कि मैं एक ही ग्रुप दे रहा हूँ, तब तो सर आपके लिए बहुत इजी है लाइफ, क्योंकि अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो यू ऑब्वियसली हैव डबल टाइम टू इन्वेस्ट इन रिविजन ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तब तो आप 35 दिन को डिवाइड बाई 4 करके रफली 8 डेज पर सब्जेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, देन इट इज़ ईजी फॉर यू, ठीक है. और अगर तुम दोनों ग्रुप दे रहे हो तो पहले भी 20 दिन ग्रुप टू कर लो जितना कर सकते हो रिवाइज, और फिर लास्ट के 15 दिन 21 नवंबर ऑनवर्ड सिर्फ ग्रुप वन में हाथ देना और कुछ भी मत देखना, वरना ग्रुप वन खराब हुआ ना तो ग्रुप टू में देने नहीं जाओगे, फिर ये हो जाएगा तुम्हारे साथ. दैट्स माय फर्स्ट टिप. सेकंड टिप है, ये अभी एक एक करके एकदम हैवी बोलने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है. बार बार स्टूडेंट पूछते हैं, मैंने लिखा नहीं है, मेरे पास कॉपी में यहां लिखा हुआ है जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, तो तुम लोग में से कोई अगर उसको नीचे कमेंट में डिस्क्राइब करके लिखना चाहता है 1 2 3 4 5 टाइम के साथ, तो बहुत अच्छी बात है. ये ऐसे कमेंट्स को स्टूडेंट करता हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब सबका हेल्प हो जाता है, ठीक है, कि टाइम वाइज दिखा दिया कि 5 टिप है, तो जिसको देखना है देख सकता है आराम से. सेकेंड टिप ध्यान से सुनना एकदम. अब बहुत हो गया इधर उधर झांकना, सिर्फ अपने टीचर का मटेरियल देखो. आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इंट्रो हो, फाइनल हो, जिन जिन टीचरों से आपने जो जो सब्जेक्ट का क्लास लिया है, सिर्फ आप अपने टीचर का ही मटेरियल देखोगे और कुछ भी दायां बायां एकदम भी नहीं देखना है. हो गया जितना देखना था, अब सिर्फ टीचर का मटेरियल, ठीक है. जिस टीचर से पढ़े हो उस पर भरोसा रखो, जो भी मटेरियल उन्होंने दिया बस उसी पर आँख बंद करके बस काम करो, और कुछ भी इधर उधर, ये टेस्ट पेपर, वो टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, हाथी टेस्ट पेपर, घोड़ा टेस्ट पेपर, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने टीचर का मटेरियल, नथिंग एल्स. थर्ड टिप, कम समय है, हो सकता है तुम में से कई जनों ने अभी अभी अपनी क्लास खत्म की होगी और अब रिविजन कर रहे हो, दे सकते हो दो ग्रुप का, कोई दिक्कत नहीं. अगर तुमने 31 अक्टूबर तक भी क्लास अपनी खत्म कर ली, आज 1 नवंबर है, 35 दिन में सर आराम से आप पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम देने जा सकते हो. आपका जो लड़ाई है ना, वो खली या अंडरटेकर के साथ नहीं हो रहा है कि तुम उसके सामने छोटे से हो, ठीक है. तुम्हारी लड़ाई यहाँ पे दूसरों के साथ कम, खुद के साथ ज़्यादा है, कि तुमको अपना बेस्ट अंदर से निकाल के इसमें दे के आना है, ठीक है. तो किसी और से नहीं, तुमको अपने आप से एकदम युद्ध करना पड़ेगा अच्छी तरह से, कि मैं अपना कितना दे सकता हूँ. 100% रिवाइज अगर नहीं भी होता है कोई बात नहीं, अब 20 डेज में अगर ग्रुप टू करेंगे और 15 डेज में ग्रुप वन करेंगे तो 100% तो नहीं होगा, अगर जितना होगा उतना करो ना. ये कोई भी इंसान मैथमेटिकली परसेंटेज नहीं बता सकता कि इतना परसेंट रिवाइज करने पे ये रैंक आता है, इतना परसेंट रिवाइज करने पे पास होता है, इतना परसेंट रिवाइज होने में फेल होता है. नोबडी कैन से दैट कि एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है. 40% रिविजन पे भी लोग रैंक लाते हैं, 100% रिविजन पे भी लोग फेल होते हैं, ठीक है. तो स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ज्यादा गंदा और बिखरा हुआ है और अनरिलायबल है. तो आपसे 100% रिवाइज नहीं होता कोई नहीं ना, आपको जितना हो रहा है आप करो ना, आप अपना मैक्स दो ना बस. 70% हो रहा है, 40% हो रहा है, जितना हो रहा है उतना करो. 100% नहीं भी हो रहा है कोई डरने की बात नहीं है, विश्वास रखो, ठीक है. फोर्थ टिप, इस समय ये जो 35 डेज होंगे तुम्हारे हाथ में, जरा सा भी कोई भी नेगेटिव या डरावना, नेगेटिव या स्कैरी थॉट और पर्सन से एकदम दूर. एक नेगेटिव विचार अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया, या एक डरावना थॉट आ गया, या कोई डरावने पर्सन से बात हो गया, या नेगेटिव पर्सन से बात हो गया ना, आई एम टेलिंग यू तुम्हारा एक दिन खत्म हो जाएगा. गिन गिन के तो दिन है हाथ में 35, अब उसमें से एक दिन स्वाहा कर लोगे. कोई एक फ्रेंड कुछ बोल दिया डर जाओगे, फ्रेंड ने ये पढ़ाई कर लिया मैं डर गया,
ठीक है, डराने वाले हजार लोग बैठे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुमको बस अपना रोबोट की तरह काम करके देना है। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम एवरी नेगेटिव थॉट, एवरी नेगेटिव पर्सन, एवरी जेलस पर्सन। जेलस पर्सन तो मोस्टली फ्रेंड्स ही होते हैं, टीचर तो क्या ही जेलस ही करेंगे तुमसे, फ्रेंड ही होते हैं जो जेलस होते हैं। मतलब कोई भी, जो जो भी इंसान तुम्हारे को दिमाग में नेगेटिव थॉट डालता है उससे एकदम दूर। कि जो ऐसा कोई भी इंसान जो मेरे को डरा दे कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, या मेरे पास कम समय है, या मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, उसने 3 बार रिवाइज के लिए, इसने 4 बार किया, एकदम दूर। ठीक है, एक नेगेटिव विचार आ जाएगा ना, मैं आज तुमको यहाँ खड़े होके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतना दिन हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, आज भी पता है क्या होता है, कुछ एक नेगेटिव विचार या नेगेटिव पर्सन कुछ हो जाता है ना मेरी लाइफ में, मेरा एक दिन नष्ट हो जाता है उसमें, एक दिन मेरे दिमाग में घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता, और मैं एकदम फ्रीज कर जाता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से लाइफ में हमेशा ही कोशिश करता हूँ, ज़रा सी भी कहीं से नेगेटिविटी आती है मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ वहीं पे, कि मेरे को अपने लाइफ में ज़रा सा भी नेगेटिव गंदगी एकदम नहीं चाहिए, ना मुझे किसी दूसरे में गंदगी ढूंढनी है, और कोई मुझ में ढूंढता है तो मुझे उसको रोकना है, कि मुझे अपने ऊपर ज़रा सा भी नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा एक दिन खा जाएगा, एकदम एक एक दिन गिना, और वो भी खा जाएगा, तो उससे दूर रहो एकदम। ठीक है, फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, ईश्वर की बात कर रहा हूँ, सुपर पावर की बात कर रहा हूँ। हम लोग का जो विश्वास होता है किसी भी सुपर पावर में या भगवान में, वो हर वक्त कांस्टेंट नहीं होता। हम लोग सब कोई कभी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, कभी हम उनको चैलेंज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर ये वेरी करते रहता है। ये वो टाइम होता है ना व्हेन यू नीड फेथ, तुमको अपने में फेथ चाहिए, और अगर उस वक्त तुम किसी भी ईश्वर बोल लो, देवी शक्ति बोल लो, सुपर पावर बोल लो, भगवान बोल लो, कोई भी किसी में भी अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेथ या विश्वास है ना, वो तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे खुद के प्रति एक फेथ पैदा करेगा, और तुमको विश्वास दिलाएगा कि नहीं जो होगा मेरे साथ वो अच्छा ही होगा, मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये फेथ बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगर अपनी बात करूं जैसे, ठीक है, आई एम फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी इस हिंदू में आता है, तो हम लोगों में हिंदुओं में इतने सारी देवी देवता होते हैं, और जैसे होता है ना कि घर में माँ बाप में से कभी मम्मी के साथ ज़्यादा कनेक्शन होता है, कभी किसी मौके पे पापा के साथ ज़्यादा होता है, कभी दादी के साथ होता है, वैसे ही ना भगवान में भी क्या होता है, मेरा कनेक्शन जो होता है हर गॉड के साथ कभी कभी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होता रहता है, कभी इस विश्व भगवान को मैं ज़्यादा मानता हूँ, कभी इसको, ये एक नेचुरल है, आई डोंट शो इट ऑफ, ठीक है, मैं शो ऑफ वगैरह नहीं करता, मेरा एक जनरल मतलब एक होता है फेथ। तो जिसमें भी तुम्हारी आस्था है, जो भी धर्म, ईश्वर, अगर तुम धर्म में नहीं मानते, ईश्वर में नहीं मानते, सुपर पावर मानते हो, वो फेथ लाओ, वो फेथ जो है ना वो तुम्हारे खुद के अंदर भी फेथ पैदा करेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये जो हो रहा है मेरे साथ ये समय भी कट जाएगा, ये जो 1.5-2 महीने का समय एग्जाम तक 50-55 दिन जितने भी है ये बीतेगा, अब मुझे बस इसको बेस्ट से बेस्ट करना है, ताकि एक बार जब ये बीते तो मैं क्रिसमस या न्यू ईयर अच्छे से मना पाऊंगा। ठीक है, कल दिवाली स्टार्ट हो रही है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, 3 दिन का दिवाली है। कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर दिवाली में पढ़ाई कैसे करें, अरे दिवाली में ही तो पढ़ाई करें, फेस्टिवल आपके लिए बाधा नहीं है, फेस्टिवल आपके लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है। दिवाली मेरा मतलब द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल होता है, जो एक वातावरण होता है, जो एक माहौल होता है, मुझे उससे एकदम प्यार है बचपन से। ठीक है, दिवाली के वक्त मैं इतना खुश होता हूँ ना कि मेरी जो लर्निंग कैपेबिलिटी वो एकदम डबल हो जाती है। ठीक है, और मुझे सिर्फ काम सूझता है, मुझे ये नहीं करना कि मुझे ये मस्ती करनी, मस्ती नहीं, मेरे को काम सूझता है। मैं अपना भी रूटीन वैसे बताता हूँ, जैसे अब कल 3 दिन है, तो मेरा भी इसमें यही टारगेट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेनी है। ठीक है, तो ये खुशी का माहौल है, इस खुशी में इंसान का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बढ़ता है, वो घटता नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए रुकावट नहीं, इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट, ये तुमको बल्कि तुम्हारा कैपेबिलिटी डबल कर देगा पढ़ने का। तुम टारगेट सेट कर लो कि ये 3 दिन में मेरे को एकदम फाड़ के पढ़ाई करनी है, ये 3 दिन का एक एजेंडा ले लो कि अब कुछ भी हो जाए, 20 दिन में सर ने बोला कि ग्रुप 2 रिवाइज करना है, तो 3 दिन में टारगेट सेट करते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के पूरा रगड़ डालेंगे, सेट कर लो, खुशी मिलेगी। ठीक है, लास्ट में फिर से वो 5 टिप्स मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1, यू हैव गॉट 35 डेज, पहला 20 डेज अभी ग्रुप 2 के रिविजन में डालो, फिर 21 नवंबर से लेकर एंड तक सिर्फ ग्रुप 1, नहीं तो ग्रुप 1 सत्यानाश हो जाएगा। सेकेंड टिप है, सिर्फ अपने टीचर का मटेरियल देखोगे और किसी का कुछ भी इधर उधर दाएं बाएं RTP ATP वोड़े कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपने टीचर का मटेरियल जहाँ तुमने अपनी क्लासेस किए हैं। थर्ड, पूरा जान लगाओ, जितना रिवाइज कर सकते हो करो, 100% नहीं भी होता, 90, 80, 70, 60, 40% जितना हो सकता है करो। ठीक है, बिना काउंटिंग द परसेंटेज। चौथा,
नेगेटिविटी और स्केरी चीज से एकदम दूर भागो, नहीं तो वो तुम्हारा समय खा जाएगा। एक नेगेटिव थॉट या एक नेगेटिव कोई इंसान हम लोग कुछ बोल देता है ना, कोई भी बात भले हमारी बुराई नहीं करो, वो तुम्हारा एक दिन सत्यानाश कर देगा। ठीक है, सपोज तुमने किसी फोन इससे बात कर लिया, दोस्त से बात कर लिया, दोस्त से बोला भाई मेरा 3 बार रिविजन हो गया, मैं 4 बार रिविजन हो गया, बस देखना खत्म खत्म। एक दिन तक दिमाग में डोलेगा कि उसका 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, मेरा तो अभी तक नहीं हुआ। तो इसीलिए बचो प्लीज, ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारी ट्रिगर पॉइंट्स है भागो उससे। ठीक है, एंड लास्ट हैव फेथ। फेथ कैसे भी करो, भगवान में करो, घर में मंदिर है, जो भी है, जिसका जो भी धर्म है भगवान है उस पर मानो, वो नहीं मानते सुपर पावर में मानो, बट हैव फेथ। अगर सुपर पावर में विश्वास नहीं है, अपने माता पिता में उन पर विश्वास करो। फेथ अगर लाओगे उनके प्रति, खुद के प्रति फेथ आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीवन भर बहुत ही इस धार्मिक टाइप के वातावरण में रहना, पर ये वो टाइम है जब तुमको फेथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तुम फेथ दिखाओगे वो फेथ खुद के प्रति बिल्ड होगा। ठीक है, सो दैट वॉज माई टिप्स फॉर यू। मैं चाहता हूँ तुम एकदम सच में बेस्ट अपना दो इन 35 दिन में और एकदम फाड़ दो रिजल्ट्स में। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मशीन की तरह काम में लग जाओ। बिकम लाइक अ लर्निंग मशीन, कि बस पढ़ रहे हैं डेटा सोख रहे हैं, एकदम लर्निंग मशीन बन गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।